पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ काफी चर्चा में रही थी। इस दवाई को कोरोना के लिए कारगर बताया जा रहा था, लेकिन दुनिया भर में कुछ देश इसके इस्तेमाल को रोक रहे हैं। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से हृदय संबंधित रोग का खतरा बढ़ जाता है। एक तरफ इसके प्रयोग पर संकट बना हुआ है, वहीं अब भारत इसके इस्तेमाल की तैयारी में है। दरअसल ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपनी रिसर्च में पाया कि इसके प्रयोग से COVID-19 से संक्रमण की संभावना कम हो जाती है, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में कहा गया है कि यह दवाई कोरोना के खिलाफ कारगर नहीं है, बल्कि इस दवाई से कोरोना मरीजों में कार्डियक रिस्क यानी हृदय संबंधित खतरा बढ़ जाता है। भारत सरकार इसका बचाव करने में लगी है और अब इस खबर के बाद भारत ने इसके प्रयोग को बढ़ाने का फैसला लिया है। ICMR ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ के इस्तेमाल के लिए नई संशोधित गाइडलाइन जारी की है। इससे पहले देश की राजधानी नई दिल्ली में केंद्र सरकार के अधीन 3 अस्पतालों में इसकी जांच की गई है। जांच में पता चला है कि वैसे हेल्थ वर्कर जो COVID-19 केयर में काम करते हैं और जो नहीं करते हैं, उन्हें HCQ प्रोफिलेक्सिस दिया गया था, उनमें ऐसे SARS-CoV-2 के संक्रमण की संभावना बेहद कम थी। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मशहूर पत्रिका द लैसेंट का कहना है कि मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल आने वाली दवा क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन HCQ का COVID-19 के मरीजों के इलाज में फायदा मिलने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने इसके पीछे ताजा तरीन रिसर्च का हवाला दिया और बताया कि जिन मरीजों को यह दवा दी गई, ऐसे लोगों में जान जाने की दर बढ़ गई। यह रिसर्च 15,000 कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों पर किया गया था। वहीं भारत के एम्स में 334 हेल्थ वर्कर्स पर इस दवा को लेकर हुई स्टडी में पाया गया कि 248 वर्कर जिन्होंने औसतन 6 सप्ताह तक इस दवाई का सेवन प्रतिबंधक के तौर पर किया, उसमें संक्रमण की संभावना दवाई नहीं लेने वाले की तुलना में काफी कम थी। इस स्टडी को सही माना जाए यह काफी दुविधा में डाल सकता है, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की आती है तो एक एक कदम फूक फूक कर उठाना चाहिए। भारत सरकार ने इस दवाई के इस्तेमाल को बढ़ाने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन अगर कुछ होता है तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता होगी। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी ₹140 प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।